हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। इस वीडियो सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं पीईबी के किसी भी एग्जाम में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसको हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आने वाले व्यापम के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चनों का टाइप अलग अलग है। यदि आपने सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया तो पीईबी के आने वाले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं क्वेश्चंस में। जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का परसेंटेज यानी प्रतिशत, सबसे पहले आप ये समझिए कि परसेंटेज होता क्या है यानी प्रतिशत क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है पर सेंचुरी, यानी सेंचुरी का मतलब ही होता है 100। हिंदी में प्रतिशत यानी शत का मतलब ही क्या होता है 100। तो परसेंटेज क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हम 100 के अकॉर्डिंग देखते हैं वो परसेंटेज यानी प्रतिशत होती है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपने यदि किसी एग्जाम में 75% अंक प्राप्त किए तो इसका मतलब क्या होता है? 75/100 यानी 100 में से आपने 75 अंक प्राप्त किए। नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल होती है, टोटल जिसमें से आपने 75 अंक प्राप्त किए। यदि कहीं पर आपको 25% लिखा हुआ मिल जाता है, इसका मतलब क्या होता है? 25/100 यानी 100 में से 25। यदि हम इसके फ्रैक्शन रूप में वैल्यू देखें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/4 यानी इसको कैंसिल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/4 यानी 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4 और 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 25%। यदि हम 1/4 को परसेंटेज के रूप में प्राप्त करना चाहें तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 25%। यानी 25% की वैल्यू हम 1/4 लिख सकते हैं। इसी तरह यदि हमें कहीं पर 50% लिखा हुआ मिल जाता है, इसका मतलब क्या होता है? 1/2। और यदि 1/2 लिखा हुआ मिल जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? 50% होता है। इसी तरह यदि आपको 1/5 लिखा हुआ मिल जाता है, इसका मतलब क्या होता है? 20%। और 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। यही हमारा परसेंटेज है। तो चलिए आप क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यदि x का 10% y का 20% तब x अनुपाते y क्या होगा? ये एमपी पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x का 10%, तो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 10%, तो 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। इसे कैसे प्राप्त करेंगे आप? 10% यानी 10/100। इसे फ्रैक्शन रूप में आप सॉल्व करेंगे तो 1/10 आपको मिल जाएगा। इसी तरह y का 20%, तो y और का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 20% यानी 1/5 यानी 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। अब हमें क्योंकि x अनुपाते y प्राप्त करना है तो हम x अपान y करेंगे और ये 10 की वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे तो 10/5। अभी ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 यानी x अनुपाते y का मान क्या मिल गया हमें? 2/1। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। अब यहाँ पर देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो यदि हम बी का वेतन 2 मान लें तो उसमें से ए का वेतन 1 अधिक है, यानी जो घटता और बढ़ता है वो ऊपर वाली संख्या यानी अंश भी घटता बढ़ता है। तो यदि हम बी की वैल्यू 2 मान लें तो ए की वैल्यू क्या है? 50% अधिक यानी 2 में से 1 अधिक, तो ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 3। अब हमें बताना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो आप यहाँ पर देखिए कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? ये ए से। 1 कम है, किससे कम है? ए की वैल्यू से, तो ए की वैल्यू कितनी है? 3 और
परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 सही 1/3%, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, ये थर्ड ऑप्शन में। और यदि आपको इस तरीके से समझ नहीं आता तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए और बी, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो क्योंकि परसेंटेज के रूप में वैल्यू हमेशा क्या ली जाती है, 100 ली जाती है। अब 50% अधिक है तो 100 में से 50% अधिक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर आप देखिए, बी का वेतन ए के वेतन से 50 कम है, तो 50 कम है, किससे कम है, ए के वेतन से, क्योंकि हमें परसेंटेज ज्ञात करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/3। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 33 सही 1/3%। तो आप देख सकते हैं, यदि आपको इस तरीके से समझ नहीं आया तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक संख्या का 75% उसी संख्या के 35% से 380 अधिक है, उस संख्या का 20% क्या है। आप यहाँ पर मान लीजिए कि कोई संख्या x है जिसका 75% उसी संख्या के, आपने जो संख्या यहाँ पर ली उसी संख्या के 35%, आप यहाँ पर सॉल्व करके डायरेक्टली फ्रैक्शन रूप में भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 35/100 से 380 अधिक है, तो अधिक कौन सा है, ये पार्ट इससे अधिक है, तो क्योंकि हमें इससे बराबर करना है तो यदि हम इसमें 380 ऐड कर दें तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया था कि ये जो संख्या है इसका 75% उसी संख्या के 35% से 380 अधिक है, अधिक कौन थी, ये वाली संख्या 75% वाली, तो क्योंकि हमें बराबर करना था तो हमने इसमें 380 ऐड कर दिया तो ये बराबर हो गया। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 25 से कैंसिल हो रहा है तो कट कर दे, 25 × 75 = 100। आप डायरेक्टली यहाँ पर 75% की वैल्यू 3/4 लिख सकते थे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x/4, और ये कैंसिल हो रहा है 5 से, तो इसे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7x/20 + 380। अब एक्स एक्स की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3x/4 - 7x/20 = 380। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20, फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15x - 7x = 380। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, 15x में से 7x जाएगा तो कितना आएगा, 8x/20 = 380। अब जो कैंसिल हो रहा है तो कट कर दीजिए, यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, 4 × 8 और 4 × 5 = 20, 2 से अभी ये कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 190। एक्स बराबर 190 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 × 45 = 5, कैरी 4, 5 × 5 और 4 = 9, यानी 950। तो हमें यहाँ पर संख्या कितनी मिल गई, x = 950, ये हमारी क्या हो गई, संख्या। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे संख्या का 20%, यानी ये जो संख्या हमें मिली है 950, इसका 20%, जो कैंसिल हो रहा है तो कट कर दीजिए आप, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, और 95 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 2 × 5 = 10 और कैरी 1, 2 × 18 = 19, यानी हमें कितना मिल गया, 190, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। ये क्वेश्चन जो है एमपी जेल प्रहरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत है, यानी जो x है वो y का 90% है, यानी x/y = 90/100। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि y x का कितना परसेंट है, यानी जस्ट इसका अपोजिट, तो y का पूछा गया है, किससे पूछा गया है, x से, इसलिए x नीचे आएगा। अब इसकी वैल्यू भी जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी, यानी 100/90, और क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से।
अब जो कैंसिल हो रहा है तो कट कर दीजिए, यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000/9। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 111.1, यानी 111.1, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप टू सब ग्रुप फोर 2017 का क्वेश्चन है, यानी लेबर इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आया हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो एमपी पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पार्टी में जहां 200 अतिथि थे, 7% ने शाकाहारी भोजन किया और 50% ने मांसाहारी भोजन किया, 30% अतिथियों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन किया, पार्टी में कितने लोगों ने भोजन नहीं किया। इसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। 60% ने शाकाहारी भोजन किया, मान लो कि ये क्या है, शाकाहारी का पार्ट है, जिसमें से 60% ने शाकाहारी भोजन किया, 50% ने मांसाहारी किया, 30% अतिथियों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन किया। आप यहाँ पर ये पार्ट ले लीजिए मांसाहारी का, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर 50% ने मांसाहारी भोजन किया और 30% ने दोनों किया, यानी दोनों का पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पर 30% ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन किया। ये यहाँ पर जो टोटल पार्टी चल रही थी उसमें अतिथि कितने थे, टोटल 200 थे, इसके अंदर कितने अतिथि थे, 200। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि शाकाहारी का परसेंटेज कितना था, 60% था, जिसमें से 30% आ चुका है, यानी ये पूरा गोला किसका आ रहा है, ये शाकाहारी का आ रहा है, और इतना भी पार्ट ये किसके अंदर जा रहा है, मांसाहारी के अंतर्गत जा रहा है। तो 30% जब यहाँ पर आ गया तो बचा कितना है यहाँ पर, 30%, यानी शाकाहारी का कितना हो गया, 30 और 30 60 हो चुका। अब आप मांसाहारी में देखिए तो मांसाहारी टोटल कितना है, 50%, 30% यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि ये जो यहाँ पर इतना पार्ट पूरा जा रहा है तो ये क्या आ रहा है, मांसाहारी का आ रहा है। तो 30% जब यहाँ पर आ चुका तो बचा कितना, 20%, यानी 30 और 20 कितना हो चुका, 50%। अब आपको क्वेश्चन में बताना है कि पार्टी में कितने लोगों ने भोजन नहीं किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोगों ने भोजन किया, 30 और 30 60 और 20 कितना हो गया, 80, यानी 80% लोगों ने भोजन किया। तो कितने लोगों ने नहीं किया, 20% लोगों ने भोजन नहीं किया। अब हमको परसेंटेज के रूप में वैल्यू नहीं बतानी, हमें एक्चुअल वैल्यू बतानी है, तो हम इसका 20% निकालेंगे किसमें से, 200 से। तो 200 अतिथि थे जिसमें से 20% ने भोजन नहीं किया, तो हम इसका 20% निकाल देंगे, तो कितना आएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20 दुना 40, यानी 40 लोगों ने भोजन नहीं किया। तो कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी भारतीय परीक्षा में 3 खंड है, विश्लेषणात्मक 40 अंक, तार्किक 50 अंक, संख्यात्मक 60 अंक, केवल 80% के ऊपर स्कोर करने वाले अभ्यर्थी अल्पसूचित किए जाते हैं। शीला ने विश्लेषणात्मक अनुभाग में 35 अंक प्राप्त किए, तार्किक खंड में 60% अंक प्राप्त किए, वो न्यूनतम स्कोर बताइए जो अल्पसूचित होने के लिए उसे संख्यात्मक खंड में प्राप्त करने हैं, यानी किसको प्राप्त करने हैं, शीला को। तो शीला ने यहाँ पर कितने अंक प्राप्त किए, 35 अंक प्राप्त किए। इसके बाद उसने तार्किक खंड में 60% अंक प्राप्त किए, तो आप यहाँ पर देखिए कि 60% उसने किसमें से प्राप्त किए होंगे, तो तार्किक का जो टोटल अंक है कितना है, 50 है, इसमें से उसने 60% अंक प्राप्त किए, तो कितना है उसने प्राप्त किया यहाँ पर, 5 6 30, यानी 30 अंक उसने प्राप्त किए। तो 35 तो इसने इसमें प्राप्त कर लिए थे, अब 30 अंक इसने तार्किक में प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर उसने संख्यात्मक खंड में कितना प्राप्त किया ये आपको नहीं बताया गया है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए एक्स, तो यहाँ पर इसके टोटल अंक प्राप्त हो जाएंगे कि उसने कितने अंक प्राप्त किए और किसमें से प्राप्त किए, यानी उसका टोटल पूर्णांक कितना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 40, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 60, यानी टोटल मिलाकर कितना था, 150 का, 150 का उसका क्या था, पूर्णांक था। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अल्पसूचित होने के लिए, अल्पसूचित किसको होना है, शीला को होना है। अल्पसूचित होने के लिए यहाँ पर शर्त क्या बताई गई है कि 80% के ऊपर स्कोर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि टोटल अंक में से 80% कितना होता है, यानी 80% अंक कितना होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर,
120, यानी यदि 150 में से 120 अंक प्राप्त कर लेता है कोई स्टूडेंट तो वो क्या हो जाता है, अल्पसूचित में शामिल हो जाता है। तो यही चीज आपको शीला के लिए बताना है। तो उसने 35 प्लस 30 65 अंक प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कितने अंक प्राप्त करे कि वो अल्पसूचित में शामिल हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 120 प्राप्त करना है, 65 उसने प्राप्त कर लिए, तो तीसरे में उसे कितना प्राप्त करना है, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 55 अंक। यानी वो 55 अंक यदि यहाँ पर प्राप्त कर लेती है तो 120 अंक उसे मिल जाएंगे, यानी वो अल्पसूचित में शामिल हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर जो 150 आपको मिला था ये क्या था, टोटल पूर्णांक मिला था, और जो ये नंबर है ये इसके शीला के टोटल नंबर यहाँ पर मिले हैं जो कि उसने प्राप्त किए हैं अलग अलग अनुभाग में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक विद्यालय में 40% लड़के हैं, यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 960 है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो परसेंटेज के रूप में वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 100 होती है। तो इसमें से 40% लड़के हैं, या गर्ल्स कितनी होंगी, 60% गर्ल्स होंगी, और विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 960 है। तो आपको लड़कियों की संख्या बतानी है, तो लड़कियों का परसेंटेज हमें कितना मिल गया, 60%। टोटल 960 स्टूडेंट है, जिसमें से आपको 60% निकाल देंगे तो आपको लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 96 का 6 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 576। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब किसी उत्पाद की कीमत 10% कम की गई, वस्तुओं की बिक्री की संख्या में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो उत्पाद की कीमत 10% कम की गई, यानी 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। तो टोटल हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है, जो वैल्यू घटती या बढ़ती है वो अंश में घटती बढ़ती है। तो टोटल हमारा 10 हो गया, 1 की यहाँ पर कमी हो रही, क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है तो 1 की कमी हो गई, तो 10 में से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि बिक्री की संख्या में ये क्या हो गया, ये कीमत हो गई। अब आपको बिक्री की संख्या में 30% की वृद्धि हुई, तो 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया, 10, और 3 की वृद्धि हो रही है, यानी 10 में से 3 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13। ये यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, बिक्री की संख्या। अब हमें बताना है कि राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 117। यानी पहले वैल्यू कितनी थी, 100, और जिसमें से वृद्धि होकर कितनी मिल गई, 117। तो इसके बीच अंतर कितना है, 17 का। तो वृद्धि कितने की हुई, 17 की हुई, और किसमें हुई, 100 में मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17%। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। आशीष खुद पर अपने जेब खर्च का 10% खर्च करता है और अपनी बहन को 5 रुपए देता है। यदि अभी भी उसके पास मूल राशि का 80% है तो उसके पास जेब खर्च के रूप में क्या राशि थी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आशीष खुद पर जेब खर्च का 10% खर्च करता है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10, यानी 10 में से 1 उसने खर्च कर दिया, तो टोटल उसके पास बचेगा कितना, 9, जिसमें से उसने 5 रुपए अपनी बहन को दे दिया, तो जिसमें से उसके पास शेष क्या बचेगा, 4। अब यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो मूल राशि का 80% है, तो आप मान लीजिए मूल राशि क्या है, एक्स है, उसका 80% हमें कितना मिल गया, 4 मिल गया। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, ये 4 से कैंसिल हो रहा है तो इसे कट कर दीजिए, 4 × 2 = 8, और 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यानी x = 5। यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5, जो कि मूल राशि का 80% है। तो उसके पास जेब खर्च के रूप में कितनी राशि थी, तो जेब खर्च के रूप में कितनी राशि हमने माना था, 10, तो इसका 5 गुना कर दीजिए आप, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर हमें इसका आंसर, यानी कितना मिल गया, 50 रुपए। यानी जेब खर्च के रूप में उसकी राशि कितनी थी, 50 रुपए। तो कौन से ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारा, संसद के 40% सदस्य अंग्रेजी भाषा जानते हैं और 60% हिंदी जानते हैं।
संसद के 15% सदस्य दोनों भाषाओं में जानते हैं और 45 सदस्य इन दो भाषाओं में से किसी को नहीं जानते हैं। तो कितने सदस्य दोनों भाषा जानते हैं? इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये मान लीजिए कि ये पार्ट क्या है, इंग्लिश का पार्ट है, जो कि क्या है 40% है। अब अगला पार्ट क्या है, हिंदी का। तो ये हमने हिंदी का पार्ट ले लिया जो कि कितना है 60% है। अब दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये है, जो कि कितना दिया गया है 15%। 15% ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषाओं को जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश का टोटल पार्ट कितना है 40%, 15 यहाँ पर आ चुका है तो बचा कितना 25%। अब हिंदी का टोटल कितना है 60%, 15 यहाँ पर आ चुका है तो बचा कितना 45%। अब यहाँ पर टोटल परसेंटेज कितना हो गया जो कि दोनों भाषाओं को जानते हैं, तो 25, 45 और 15 कितना हो गया 85%। 85% लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में से किसी न किसी को जानते हैं, तो बचे कितने 15% जो कि दोनों भाषाओं में से किसी को नहीं जानते। तो यहाँ पर हमें दोनों भाषाओं में से किसी को नहीं जानते इसकी संख्या हमें कितनी दी गई है 45, यानी 15% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों भाषाओं में से किसी को नहीं जानते। अब हमें बताना क्या है कि कितने सदस्य दोनों भाषा जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों भाषा जानते हैं यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं, तो ये कॉमन पार्ट आएगा। कॉमन पार्ट के अंदर वैल्यू कितनी दी गई है 15%, और यहाँ पर भी हमें 15% की वैल्यू मिल गई है यानी कितनी है 45। लेकिन ये जो पार्ट था ये 45 वाला, ये किसका पार्ट था कि दोनों भाषाओं में से किसी को नहीं जानते। पर यहाँ पर जो सेम पार्ट है इंग्लिश और हिंदी का, तो यहाँ पर भी 15% की वैल्यू वही आएगी यानी 45 ही आएगी। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 45 यानी थर्ड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए की आय बी से 30% अधिक है, बी की मासिक आय सी से 20% कम है। यदि ए और सी की आय के बीच अंतर 800 है तो रुपयों में बी की मासिक आय क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी और सी। आप यहाँ पर देखिए ए की आय बी से 30% अधिक है, तो आप 30% का फ्रैक्शन रूप निकाल लीजिए तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 3/10। यानी यदि हम बी की वैल्यू 10 मान लें तो उसमें से 3 अधिक यानी 13 वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए की हो जाएगी, क्योंकि ए की आय बी से 30% अधिक है। अब आगे देखिए बी की मासिक आय सी से 20% कम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 20% कम, तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। यानी यदि हम टोटल वैल्यू यानी सी की क्या मान लें 5, तो उसमें से एक की क्या हो रही है कमी हो रही है, तो कमी किस में हो रही है, बी की मासिक आय में, और किससे कमी हो रही है सी से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 में से एक की कमी, यानी यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। अब इसका एक्चुअल अनुपात आप ज्ञात कर लीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे और इसका इससे। तो 13 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 52, 10 का 4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 40, और 10 का 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 50। अब यहाँ पर आपको बताना क्या है, तो रुपयों में बी की मासिक आय क्या होगी, और आपको दिया क्या गया है ए और सी की आय के बीच अंतर कितना है 800 है, ए और सी की यानी इसके और इसके बीच। तो आप यहाँ पर देखिए अनुपात के रूप में हमें अंतर कितने का मिल रहा है, 2 का मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अंतर कितना है 800 का है, यानी 2 की वैल्यू 800 के बराबर है, जो कि इससे कितना गुना है, ये 400 गुना है। अब आपको बताना क्या है बी की मासिक आय, तो बी का अनुपात कितना है 40, तो हम 40 में भी क्या करेंगे 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका हमें एक्चुअल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 400 को 16, यानी 16,000, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पंप टैंक में 1200 लीटर पानी भरता है जिसके बाद वह 60% खाली रहता है, टैंक को ऊपर तक भरने के लिए कितना पानी और अंदर जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 60% खाली रहता है 1200 लीटर भरने के बाद, 60% जब खाली रहता है तो भरता कितना है 40% और पानी कितना भरता है 1200 लीटर, यानी 40% की वैल्यू कितनी है 1200 लीटर। अब क्या पूछा गया हमसे क्वेश्चन में कि टैंक को ऊपर तक भरने के लिए कितना पानी और अंदर जाना चाहिए, यानी टैंक को हमें 100% तक भरना है, तो 40% भर चुका, 60% अभी और भरना है, तो 60% बराबर क्या हो जाएगा 1200/40 मल्टीप्लाई में 60। अब इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 4 × 3 = 12 और यहाँ पर 0, तो कितना आ जाएगा 6 × 3 = 18 यानी 1800 लीटर।
यानी 1200 लीटर पानी भर दिया गया था, 1800 लीटर पानी और हम भर देंगे तो टैंक ऊपर तक भर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? सेकंड वाला। और यदि हमसे टोटल क्षमता पूछी जाती कि टैंक की टोटल क्षमता कितनी है पानी भरने की, तो कितना आ जाता? 1200 और 1800 कितना आ जाता? 3000 लीटर। पर हमसे 60% की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1800 लीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि 61 का वाई परसेंट प्लस 61 का 81% 90 का 61% है, तो वाई का मान निम्न होगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? 61 का वाई परसेंट प्लस 61 का 81%, 90 का 61% के बराबर है। यानी जितनी वैल्यू 90 की 61% की है, उतनी ही वैल्यू ये टोटल पार्ट की है। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू ज्ञात करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पार्ट में से कॉमन क्या आ रहा है? 61/100। तो यहाँ पर बचेगा कितना? y प्लस 81 इक्वल टू 90 × 61/100। आप देख सकते हैं बराबर के दोनों तरफ ये वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा कितना? y इक्वल टू 90 − 81। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल जाएगी हमें? 9। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि वर्ग की भुजा 7% से बढ़ा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल इतने से बढ़ जाएगा। भुजा कितने परसेंट की दर से बढ़ रही है? 7%। तो 7% की वैल्यू कितनी होती है? 7/100। क्योंकि यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ेगा? क्षेत्रफल इसका क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो नीचे वाली ये वैल्यू हमेशा टोटल होती, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100। और बढ़ कितना रहा है? 7। तो कितना बढ़ेगा यहाँ पर? 107। इसे एक बार और वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है। तो यहाँ पर फिर आ गया 100, फिर बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 107। इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10,000। और इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11,449। अब आप इसके बीच डिफरेंस देखिए कि वृद्धि, यानी टोटल पहले इतना था, बढ़कर इतना हो गया। तो आप डिफरेंस चेक करें, यहाँ पर कितना आएगा डिफरेंस? 1449। अब 1449 का डिफरेंस आया है, और किसमें से आया है? 10,000 में से। क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू बतानी है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है, तो कट कर दीजिए ये 00 से ये 00। तो बचा यहाँ पर कितना? 100। तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 14.49। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये परसेंटेज में है। तो कौन से ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये परसेंटेज के क्वेश्चनों का पार्ट फर्स्ट था, इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो सीरीज में बस इतना ही। गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।